एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज है 12 तारीख और आज है जन्माष्टमी। वैसे तो जन्माष्टमी दो दिन थी, कुछ लोग पहले दिन मनाए हैं और कुछ लोग आज मनाए हैं, तो हम लोग आज ही हमारी तरफ आज ही मनाया जा रहा है। तो मैं तो ऐसे व्रत नहीं रहती हूँ, फिर भी भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। हाँ, मेरी तरफ से आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से जन्माष्टमी मनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भगवान जी के लिए मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, उनको भोग लगाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं भगवान जी को तैयार कर दूंगी। उनके लिए मैं न्यू कपड़ा लेके आई थी, तो मैं सबसे पहले एक रेड कपड़ा बिछा कर उनको इस तरह से कपड़ा पहना दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे जगह नहीं था तो मैं इधर ऊपर ही पूजा कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं भगवान जी के लिए मुकुट, बांसुरी और जैसे उनकी चूड़ी हुई, इन सबको लेके आई हूँ। इसी तरह सेट मिलता है इनका, तो बहुत अच्छे लग रहे थे पहनाने के बाद कान्हा जी। तो यहाँ पर मैं लड्डू बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ नारियल का लड्डू। तो सबसे पहले मैं नारियल का जो बुरादा आता है उसको मैं एक प्लेट में रख लूँगी इस तरह से, और ये मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ उसमें एक पैकेट, और इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क, और इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमको, जिससे जो हमारा नारियल का बुरादा हो गीला ना हो। इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी इसी तरह से डालकर हमें गूंथना है। ये पहले से ही मीठा होता है और मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो इसमें हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से थोड़ा सा डालकर हम इसको मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लड्डू को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह से हमें रखना है, और यहाँ पर हम इसको छोटे छोटे बॉल की तरह लड्डू बना लेंगे। और मुझसे तो गोल लड्डू बनते नहीं, जैसे भी बनते हैं उसी तरह से इसको बना लूँगी, इसी तरह से सारे लड्डू। वैसे सही बताओ तो मुझसे जल्दी कोई भी चीज़ गोल नहीं बनती है, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसा भी बन रही मैं उसी तरह से बना ले रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लड्डू था वो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं प्रसाद रख रही हूँ, यहाँ पर मैंने सारे प्रसाद को तैयार कर रख लिया है, और मैं अभी ले चल के वहाँ पर रख दूँगी। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी किस तरह से मनाई जाती है। तो अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये रहे हमारे कान्हा जी, और ये बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। और इसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने, तो मेरी चाय बन चुकी है और यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, और मेरे बच्चे दोनों यहाँ पर टीवी देख रहे थे, तो मैं उन सबसे बातें करते हुए अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश हो रही है शाम के समय, और बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी हवाओं के साथ, और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, एकदम ठंडा ठंडा, गर्मी थोड़ा कम हो गई थी बारिश के वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आंधी तूफान और बारिश को देखकर यही लग रहा था कि आज ही रियल वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। देखो आज क्या है, कान्हा जी का बर्थडे। ये देखो कान्हा जी के बर्थडे के दिन क्या हो रहा है, बारिश हो रही। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, बच्चे पॉपकॉर्न खाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं यहाँ पर मक्के के दानों से कुकर में ही पॉपकॉर्न बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुकर गरम करके इसमें मैं तेल डाल दी हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी मक्के का दाना लिया हुआ है और इसको इस तरह से तेल में डालकर चला देना है, और इसको बिना ढके हमें एक दो बार इसी तरह से इसको चलाना है, और जब इसमें जो पॉपकॉर्न के दाने हैं वो फूटने लगेंगे तब इसको हमें इसका ढक्कन ऊपर से इस तरह से रख देना है। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे दाने हैं वो फूटने लगे हैं, तो हमें इसी तरह से इस पर रख देना है, और इसी तरह से हमें इसको छोड़ देना है। बीच बीच में हमें कुकर को हिलाते रहना है, नहीं तो जो हमारे पॉपकॉर्न हैं वो नीचे से जलने लगेंगे, तो इसको बीच बीच में हमको हिलाते रहना है। जब हमारे पॉपकॉर्न में से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी तब तो हमें गैस को बंद कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पॉपकॉर्न था वो अच्छे से फूट चुका है, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा छोटा वाला बेटा था वो पॉपकॉर्न निकालते ही खाने लगा है, और इस तरह से मैं घर पे पॉपकॉर्न बना लेती हूँ। अगर आप लोग का खाने का मन हो तो इस तरह से आप घर पे ही पॉपकॉर्न बनाकर खा सकते हैं गर्मा गर्म, बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर मैं अपने बड़े वाले बेटे को कृष्णा बनाई हूँ, और मैंने अपने छोटे बेटे के भी एक वीडियो बनाई है कृष्णा की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा किस तरह से मैं घर पे कृष्णा बनाती हूँ, अपने कुछ घर के ही चीज़ों से, कुछ बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर 12 बज चुके थे, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था, और यहाँ पर हम लोगों ने आरती और पूजा कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।